गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 3G चैप्टर 3 का 3G आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि एक छोटी एक्सरसाइज है बट इंटरेस्टिंग बहुत है। इसमें टोटल क्वेश्चन 4 हैं, तो मैं इसका ए और सी आपको कराऊंगा। मैं ए उतारने वाला हूं, 3, 2, 5, 7 एंड बॉक्स यानी पता नहीं 1, फिर खाली बॉक्स और फिर खाली बॉक्स। यहाँ पे हमारी गैसिंग पावर थोड़ा स्ट्रांग होने वाली है आप सभी की, और ये माइनस का साइन लगा है, और यहाँ 2 आया है, और यहाँ बॉक्स बनाया यानी आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर इन्हें 1 लिख दिया है, और यहाँ पर 2 लिख दिया है, ठीक है। एंड सी भी ऐसे ही लिखा हुआ है, 6 ब्लैंक बॉक्स एंड अगेन ब्लैंक बॉक्स एंड 7 और नीचे 6 के नीचे खाली वाला बॉक्स, इसके नीचे 4, 2, 1 और आंसर भी हमें आधे पर्दे दिए हुए हैं इसके, 4, 2, 1 यस। यहाँ का इसको पता नहीं है, और यहाँ 3, 2 और 5 इसकी हेडिंग थी, फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं, यस फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। हमने 2 क्वेश्चनों को उतार लिया है, ए एंड सी। आप सभी से मैं पूछूंगा और आपकी गेसिंग पावर को अपन बढ़ाने वाले, मैंने जैसा कि कहा था क्लास की स्टार्टिंग में, 7 में से 1 माइनस हो रहा है, इजी है, क्या आएगा 6, ठीक है। ऊपर गैस करिए कौन सा नंबर होगा जिसमें से मैं अगर 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे 3 मिलेगा। हमने बहुत गैस किया, नहीं मिला, नहीं मिलने तो एक तरीका सिखाया था ना, स्मॉलर नंबर एंड बी गेट जो आंसर हमें प्राप्त हुआ है उन दोनों को हम सम कर देंगे तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर अपने आप ही मिलने वाला है। तो क्या कर दिया हमने, इन दोनों का सम कर दिया, 3, 2, 5। वैसे तो आप सभी इतना गैस कर ही सकते हैं कि कौन सा नंबर है जिसमें से 2 जाएगा 3 बचेगा, 5 माइनस 2 वी गेट 3 एंड हम थर्ड स्टेप पे आए, वहाँ लिखा है 4। ऐसा कौन सा डिजिट है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से हम 4 नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमें 2 मिलता है। नहीं पता, कुछ नहीं करना, 4 एंड 2 6, ठीक है। तो हमारा 6 में से 4 जब माइनस होता है तो हमें 2 मिलता है। अब 6 है, 6 में से मैं क्या नंबर माइनस कर दूं कि मुझे 5 नंबर मिले, वो है 1। मैं 1 को और माइनस करूंगा 6 में से तो मुझे 5 बचेगा। ऐसा ही ए नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 7 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि मुझे 2 मिले तो वो नंबर है 5। 7 में से 5 जैसे ही माइनस करता हूँ मुझे 2 मिलने वाला है। एंड सेकेंड जो प्लेस है, 5 में से मैं क्या नंबर माइनस करूं कि मुझे 1 मिले, तो 5 में से 4 को हम जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। 2 में से मैं क्या नंबर माइनस करूं कि मुझे 1 मिले, 1 में से घटाने पर मुझे क्या मिलता है 1, 2 में से मैंने माइनस 1 करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा। एंड 3 में से मैं किस डिजिट को माइनस करूं कि मुझे 2 आंसर आएगा मेरा, वो भी 1। इस प्रकार से इतने ही मेरे सारे जो फिल बॉक्स थे वो सारे पूरी तरीके से भर गए हैं, ये देखिए, ठीक है। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके 2 बचे हुए क्वेश्चंस आपको अपने अकॉर्डिंग करने हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताए, या तो आप माइनस कर दीजिए या स्मॉलर नंबर और आंसर को जोड़कर हम बड़ा नंबर ला सकते हैं। इसी के साथ आज पूरा 3 चैप्टर 3G के साथ खत्म होता है। जल्द ही हम
नए चैप्टर के साथ मिलते हैं आपसे। टेक केयर, गुड बाय।